वेलकम टू कैंपस केयर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग इवोलिस प्राइमेसी जो कि पीवीसी आईडी कार्ड प्रिंटर है उसकी इंस्टॉलेशन किस तरीके से कर सकते हैं। किसी भी पीवीसी आईडी कार्ड प्रिंटर का इस्तेमाल जब हम लोग कर रहे हैं तो उस केस में मेजरली दो कंज्यूमेबल्स जो हम लोग यूज करेंगे एसेंशियली, वन इज अ पीवीसी कार्ड्स, द सेकेंड इज अ रिबन। रिबन इज बीइंग कॉल्ड एज अ कॉटरेज रिबन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रिंटर में हम लोग कार्ड कहाँ पे प्लेस करेंगे। तो ये जो इसका फ्रंट एरिया है इसमें इस वाले पार्ट को आप ऐसे ऊपर की तरफ जैसे ही पिक करेंगे, और हमारे यहाँ पे इनपुट हॉपर है, यहाँ पर आप अपने कार्ड्स को जो है प्रिंटिंग के लिए प्लेस कर सकते हैं। इस हॉपर में बेसिकली क्वांटिटी जो कि कार्ड्स की प्लेस की जा सकती है दैट इज 100। आप 100 कार्ड एक बार में यहाँ पे प्रिंटिंग के लिए रख सकते हैं अगर आप बैच प्रिंटिंग की कमांड दे रहे हैं। केस में अगर आपने कमांड 100 कार्ड से भी ज्यादा की दी है उस केस में जैसे ही कार्ड खत्म हो जाएंगे आपको एक स्क्रीन पे एरर मिलेगा और दोबारा से आप अपने कार्ड्स को सिंपली यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं और आपकी बैच प्रिंटिंग वहीं से कंटिन्यू हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे नीचे वाले पोर्शन को जैसे ही मैं ड्रॉप करूंगा तो यहाँ पर आपका जो कार्ड है वो प्रिंट होके रुकेगा। इस पार्ट में आपके कार्ड्स जो प्रिंटर के द्वारा प्रिंट हुए हैं वो प्रिंट होके यहाँ पे रुकेंगे। सो बेसिकली जो आपका इनपुट हॉपर है और आउटपुट होपर है उसके बीच में एक गेज मीटर है जो कि यूजली 30 पर रहना चाहिए जब आप अपने कार्ड्स की प्रिंटिंग जो है वो कर रहे हैं। तो अभी मैं नीचे वाला होपर और ऊपर वाला होपर इन दोनों को बंद कर देता हूँ। सो नाउ माय प्रिंटर इज रेडी विद कार्ड्स, बट अभी मुझे इसके बीच में कॉटरेज रिबन जो है वो लगाना है। सो इवोलिस प्राइमेसी में बेसिकली जो कॉटरेज रिबन आता है दैट कम विद टू टाइप, वन इज विद अ की, सेकेंड इज विद अ ट्रे। सो बेसिकली दोनों का काम एक ही है, प्रोसीजर एक ही है, बट इन दोनों को प्रिंटर में इंस्टॉल करने के लिए थोड़ा सा डिफरेंस प्रोसीजर है। तो दोनों को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग की वाले रिबन को यूज करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे एक की वाला रिबन ऑलरेडी है, तो इसमें यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पार्ट है गियर्स वाला, तो ये जो गियर वाला पोर्शन है वो आपके उस साइड पे यानी कि लेफ्ट साइड पे रहेगा। तो प्रिंटर को रिबन इंसर्ट करने के लिए आप यहाँ पे प्रेस करेंगे, आप इसको जैसे ही प्रेस करते हैं ऑटोमेटिकली जो है वो आपका ओपन हो जाएगा। आप इसको ऊपर की तरफ करेंगे और उसके बाद आपका जो रिबन है आप सिंपली उसको अपने प्रिंटर के बीच में इंसर्ट कर देंगे। अब इसके साथ जो आपको की मिली थी वो की भी आप अपने प्रिंटर के साइड वाले हिस्से में प्लेस कर देंगे, और इसको प्लेस करने के बाद आपको सिंपली इसके ढक्कन को है जो ऊपर से प्रेस करके बंद कर देना है। अब आपका रिबन जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। नाउ वी हैव अनदर टाइप ऑफ रिबन जैसे कि हमने वीडियो में पहले देखा। तो अभी इसको लगाने के लिए सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, और जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ बेसिकली ये रिबन जो है वो ट्रे के साथ है, तो इसमें आपको एक्स्ट्रा की नहीं मिलेगी, आपको सिंपली इस ट्रे को ही प्रिंटर के बीच में प्लेस करना है। उससे पहले मैं पहले वाला रिबन जो है वो निकाल लूंगा। तो ये मेरे पास की है, इसको निकाल दिया। उसके बाद हमने रिबन को भी निकाल दिया, और अब जो ये ट्रे वाला रिबन है इसमें जो न्यू पार्ट है वो नीचे की तरफ रहेगा, और जो एम्प्टी पार्ट है जो कि यूज होने के बाद फिल हो जाएगा वो ऊपर की तरफ रहेगा इस तरीके से। अब आप सिंपली इसको यहाँ पर प्लेस कर देंगे, ऑटोमेटिकली वो अपनी जगह पे बैठ जाएगा, और उसके बाद अब इस होपर को जो है वो बंद कर देंगे। अब जैसे ही इस होपर को बंद कर देते हैं आपका रिबन जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। सो द कार्ड इज रेडी नाउ, प्रिंटर में रिबन भी लग चुका है। हमारे पास यहाँ पे एक और पार्ट है, दिस इज बेसिकली अ बैक होपर। सो बैक होपर का यूज क्या है कि जब हम लोग प्रिंटिंग करते हैं उस केस में अगर कुछ कार्ड की वेस्टेज होती है या फिर कोई कार्ड स्टक हो जाता है उस केस में आप इस होपर को बैक पे प्लेस कर देंगे और वो कार्ड जो है इसके बीच में कलेक्ट होते रहेंगे। इस तरीके से आपका जो बैक होपर है वो अपनी जगह पे आ चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको लगाने के लिए सिंपल है, जो ये दिस इज द पोर्शन, इसमें जो ये वाला पोर्शन है ये आपका पीछे की तरफ रहेगा और यहाँ पर आपके प्लेसमेंट बनी हुई है और आप इसको यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। सो नेक्स्ट वी हैव अ यूएसबी केबल।
एंड अ पावर केबल। तो प्रिंटर के ही पीछे वाले साइड पे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं हॉपर ये हटा रहा हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे देर इज अ यूएसबी केबल, देर इज अ पावर अडेप्टर। तो आप यहाँ पर पावर अडेप्टर और यहाँ पर यूएसबी को प्लेस करेंगे। दिस इज द पार्ट जो कि प्रिंटर के पीछे आएगा। Then we have a power adapter here. देखिए यहाँ पर आपको एक लाइट भी दिखाई दे रही है। अब आप देख सकते हैं कि प्रिंटर की लाइट जो है यहाँ पे ब्लिंक कर रही है। इसका मतलब ये है कि प्रिंटर जो है वो ऑन हो रहा है, और जैसे ही इसकी लाइट स्टेबल होती है तो आप अपने प्रिंटर को, अपने पीसी लैपटॉप जिसके साथ भी आपने कनेक्ट किया है, जिसके साथ आप ये इसकी वायर को कनेक्ट करेंगे, उसके थ्रू जो है आप इसकी कमांड जो है वो दे सकते हो। नाउ योर प्रिंटर इज रेडी टू यूज। थैंक यू सो मच।